इस लॉकडाउन में हीरो नंबर वन कौन? जी हाँ, पवन और खेसारी में हमेशा कांटे की टक्कर होती है। वैसे हमेशा इसमें दो तीन और नाम ऐड किए जाते हैं, जैसे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और रितेश पांडे, प्रदीप पांडे, चिंटू। लेकिन इस बार ये नाम इसलिए चर्चाओं में नहीं है कि जिस तरह से अपने वीडियोस को पवन और खेसारी अपने दर्शकों के पास लेकर आ रहे हैं, उनके समक्ष लेकर आ रहे हैं, इससे इन दोनों में एक होड़ सी मच गई है। कौन है इस लॉकडाउन का बादशाह, कौन है इस लॉकडाउन का किंग, कौन है इस लॉकडाउन का शहंशाह? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि व्यूज़ के मामले में कौन किस पे भारी है। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का गाना कूद जाए कोरा के वीडियो को 4 मिलियन व्यूज़ मिला है, यानी कि 40 लाख लोगों ने इसे देख लिया है। अब आपको बताते हैं कि मीठा मीठा बात है कमरिया का व्यूज़, जिसे एक दिन में 2.7 मिलियन व्यूज़ मिला था, जहां पर ये लग रहा था कि खेसारी लाल यादव का वीडियो, ये जो चैलेंज है 2.7 मिलियन क्रॉस करने का, उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये क्या, इस वीडियो की क्वालिटी भी उतनी बेहतर नहीं थी जितनी कि मीठा मीठा बात है कमरिया की बेहतर थी, और खेसारी लाल यादव ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि एक दिन में 40 लाख लोगों ने, यानी कि 4 मिलियन लोगों ने गाने को देखा, पसंद किया है, जिसमें से आपको ये बता दें कि लोगों को ये गाना काफ़ी पसंद आ रहा है और अभी ये यूट्यूब पर रूल भी कर रहा है। साथ ही साथ हम बात करते हैं पवन सिंह की। पवन सिंह का आज फिर एक गाना रिलीज हुआ है। अगर ये गाना खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड को, यानी कि 4 मिलियन के रिकॉर्ड को चेज कर देता है, क्रॉस कर देता है, तो नो डाउट इस लॉकडाउन के बेताज बादशाह बने रह जाएंगे पवन सिंह। पवन सिंह का जो वीडियो रिलीज़ हुआ है 200 का कहीं, जिसपे पहले से ही एलिगेंस लग रहे हैं कि ये गाना पवन सिंह ने चुरा कर गाया है, ये गाना अरुण बिहारी का नहीं है, जबकि सुमित द्विवेदी करके कोई राइटर है उनका है। खैर, यहाँ पर इस बात से लेना देना भी नहीं है। अब लेना देना इस बात से है, क्या पवन सिंह का ये गाना खेसारी के चैलेंज, यानी कि 4 मिलियन व्यूज़ को चेज कर पाएगा, क्रॉस कर पाएगा? अगर क्रॉस नहीं करता है तो भाई इस लॉकडाउन के बेताज बादशाह कोई और नहीं, खेसारी लाल यादव ही हैं। क्योंकि खेसारी के कई ऐसे गाने हैं जिसे डिलीट भी करवा दिए गए हैं कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत, जो कि बाद में ये खबरें हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसमें किसका हाथ है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि काफ़ी फेक कॉपीराइट के क्लेम भी लगाए जाते हैं। ये बात और है कि खेसारी पे समय समय पर ये आरोप लगते हैं कि वो चोरी के गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन पवन भी इससे अछूते अब नहीं रह गए हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन साबित होगा, कौन बनेगा इस लॉकडाउन का बेताज बादशाह। अगर पवन का ये गाना 200 का कहीं, जिसका वीडियो रिलीज हुआ है, इस गाने ने चेज कर लिया खेसारी लाल यादव के गाने कूद जाए बोरा के रिकॉर्ड को, तो भाई आप कह सकते हैं कि पवन विजेता हैं और पवन भोजपुरी के नंबर वन किंग हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।